दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हरियाणा के करंट अफेयर्स करेंगे 28 से लेकर 31 मार्च 2019 तक के। संदीप धायल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश की पहली महिला विधायक कौन बनी थी? तो इसका आंसर है स्नेहलता। तो हरियाणा प्रदेश की पहली महिला विधायक स्नेहलता बनी थी। तो स्नेहलता जो है वो 1967 में हिसार से विधायक बनी थी। तो 1966 में जो है वो हरियाणा राज्य बना था, और उसके बाद 1967 में स्नेहलता जो है वो पहली महिला विधायक बनी थी हिसार से। तो अभी हाल ही में 29 मार्च 2019 को स्नेहलता का देहांत हो गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस पर्वतारोही ने 22 मार्च 2019 को ओशिनिया की सबसे ऊंची चोटी कारस्टेंसज पिरामिड पर चढ़ाई की है? तो ये की है ममता सोदा ने। तो हरियाणा पुलिस में डीएसपी है इसमें ममता सोदा। इन्होंने 22 मार्च 2019 को ओशिनिया की सबसे ऊंची चोटी कारस्टेंसज पिरामिड पर जो है वो सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो कारस्टेंसज पिरामिड जो है वो इंडोनेशिया के बेहद दुर्गम और बेहद पश्चिमी पापुआ क्षेत्र में लगभग जो है वो 4,884 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो ममता सोदा जो है वो हरियाणा के कैथल की बेटी है, और इन्होंने जो है वो इस पर्वत पर 18 मार्च को चढ़ाई शुरू की थी और 22 मार्च को जो है वो सफलतापूर्वक इसकी चोटी पर पहुंच गई थी। तो यानी 5 दिन में जो है उन्होंने चढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। तो ममता सोदा ने इससे पहले जो है 2010 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, 2012 में माउंट एल्ब्रुस पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, और 2013 में अफ्रीका का जो ऊंची चोटी है किलिमंजारो, उसके ऊपर भी जो है वो सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी है। तो इनका लक्ष्य जो है वो दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने का है, और जिसमें जो ये लगातार आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस जिले में इंडो इंटरनेशनल प्रीमियर कबड्डी लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है रोहतक में। तो नेशनल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से इंडो इंटरनेशनल प्रीमियर कबड्डी लीग का आयोजन करवाया गया है, जो कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में किया गया है। तो इस लीग का आयोजन जो है वो मार्च 2019 में किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड का दर्जा पाने वाली दूसरी यूनिवर्सिटी अभी जो है वो बन गई है? तो ये है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। तो रोहतक में स्थित जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है उसको भी नैक की तरफ से A+ ग्रेड का दर्जा मिला है। तो नैक जो है वो एक विश्वविद्यालय को रेटिंग देने वाला एक संस्थान है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है के बाद में A+ ग्रेड का दर्जा हासिल करने वाली महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अब हरियाणा की दूसरी यूनिवर्सिटी बन गई है। तो पहला जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है, और अब दूसरी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी कि MDU यूनिवर्सिटी बन गई है। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने 12वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट का गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है मन्नू भाकर ने। तो भारतीय निशानेबाज है मन्नू भाकर। इन्होंने ताइपे के ताओ युवांग में आयोजित 12वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, और इसके साथ में जो है वो इन्होंने सौरभ चौधरी जो खिलाड़ी हैं उनके साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट का गोल्ड मेडल भी विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता है। तो ये जो एशियन एयरगन चैंपियनशिप है तो इसमें मन्नू भाकर ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक तो जो है वो महिला इवेंट में इंडिविजुअल में और एक मिक्स्ड टीम इवेंट में सौरभ चौधरी के साथ। तो दोस्तों, मन्नू भाकर जो है वो झज्जर जिले के गोरैया गांव के रहने वाली है, और इन्होंने जो है वो कम ही समय में निशानेबाजी में बहुत बड़ा नाम कमा लिया है। नेक्स्ट है, पैरालंपिक में पदक जीतने वाली किस पहली भारतीय महिला ने भाजपा पार्टी ज्वाइन की है? तो ये है दीपा मलिक। तो हरियाणा की पैरालंपिक खिलाड़ी हैं दीपा मलिक। इन्होंने भी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है।
तो दीपा मलिक पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। तो दीपा मलिक ने जो है 2016 के पैरालंपिक में शॉटपुट खेल में जो है वो रजत पदक जीता था और इतिहास रचा था। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी को यूएनओ में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन में प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है अंजलि राज को। तो अंजलि राज जो है वो भारतीय मूल की विदेशी नागरिक है। इन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ डिजाइन प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन बनाया, तो जिससे जो है इन्हें प्रथम स्थान मिला है। तो अंजलि राज द्वारा बनाया गया ये जो डिजाइन था उसको यूएनओ जो है वो अपने स्वास्थ्य कार्यक्रमों में बटन व टी शर्ट पर इसका इस्तेमाल करेगा। तो अंजलि राज मूल रूप से हिसार जिले के अग्रोहा की निवासी है और इस समय जो वो ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था मोंटेसेरी मॉडर्न की ओर से जो है वो न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 23 मार्च तक करवाया गया था, तो जिसमें अंजलि राज ने ये डिजाइन बनाया था और प्रथम स्थान पर रही थी। नेक्स्ट है, 27 मार्च 2019 को हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बेसबॉल पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बेसबॉल पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन 27 मार्च 2019 को किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसे विधानसभा में संख्या बल कम होने के कारण प्रतिपक्ष नेता का पद छोड़ना पड़ा है? तो ये है अभय चौटाला। तो इनेलो पार्टी के विधायक हैं अभय चौटाला। इनको जो है वो विधानसभा में विधायकों की संख्या बल घटने के कारण नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो गंवाना पड़ा है। तो हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी विपक्षी दल को विधानसभा में संख्या बल कम होने के कारण जो है वो प्रतिपक्ष का नेता का पद छोड़ना पड़ा है, क्योंकि इनके जो विधायक थे वो कुछ के जो अलग पार्टी में शामिल हो गए थे, तो इसी कारण की जो संख्या थी उससे ये कमी हो गई थी और इस कारण को नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना पड़ा है। नेक्स्ट है, मंगोलिया में आयोजित एशियन अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के किन दो खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है टीना और नैना ने। तो मंगोलिया में आयोजित हुई थी ये एशियन अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियनशिप। इसमें हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली टीना ने अंडर 65 भार किलो वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है और रोहतक की रहने वाली नैना ने अंडर 72 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो मंगोलिया के उलन बटोर में 21 से लेकर 24 मार्च 2019 तक एशियन अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो इस प्रतियोगिता में भारत ने 5 स्वर्ण पदक सहित 9 पदक जीते हैं। तो इन 5 स्वर्ण पदक में से 2 स्वर्ण पदक हरियाणा की जो बेटियों ने जीते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर नारायण आचार्य को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये दी गई है ज्योतिष रत्न। तो चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, तो उसमें ज्योतिष के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए डॉक्टर नारायण आचार्य को ज्योतिष रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो नशा विरोधी मुहिम जो है वो इन डॉक्टर नारायण आर्य ने शुरू की थी हरियाणा और पंजाब में, और उसमें जो इन्होंने कई लोगों को नशादी से दूर रहने के लिए प्रेरित भी किया है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट बनवाने का व्यापक संदेश बोर्ड परीक्षा प्रवेश पत्र के माध्यम से देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हरियाणा। तो पहली बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं तथा ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को जारी प्रवेश पत्र में जो है नए व्यक्तियों को अपना वोट बनवाने का संदेश दिया गया है। तो इसी के साथ जो है वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट बनवाने का व्यापक संदेश प्रवेश पत्र के माध्यम से देने वाला जो है वो हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, जीजेयू विश्वविद्यालय हिसार के किस प्रोफेसर को एजुकेशन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2018 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर अंजन कुमार बराल को।
गुरु जुम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हैं अंजन कुमार बराल। तो इनको अमेरिका के मिनियापोलिस में एजुकेशन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2018 से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार जो पाने वाले प्रोफेसर अंजन कुमार बराल भारत के पहले प्रिंटिंग क्षेत्र के प्रोफेसर हैं। तो यह पुरस्कार प्रोफेसर बराल को अमेरिकी प्रिंटिंग उद्योग के अध्यक्ष माइकल एफ माकिन ने जो है वो प्रदान किया है। तो प्रोफेसर बराल को जो है वो इससे पहले 2016-17 में एजुकेशन एक्सीलेंस तथा प्रिंट रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन जो है वो आपके लिए हैं, तो इनका आंसर आप मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन से मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज के अंदर करवाए हुए हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फ्री स्टाइल 1 करोड़ इनामी कुश्ती प्रतियोगिता 2019 में किस जिले में ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई है। तो ये प्रतियोगिता किस में हुई आपको बताना है। ऑप्शन ए है भिवानी, बी है करनाल, सी है रोहतक और डी पानीपत। तो इसमें आप यह बताना आपको कि ये किस जिले में आयोजित हुई है और इसमें किस टीम ने जीत हासिल किया, यानी कि पहले स्थान पर कौन सी टीम रही है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हरियाणा में कौन सा शहर टॉप पर रहा है। तो आपके ऑप्शन है ए फरीदाबाद, बी हिसार, सी गुरुग्राम या डी करनाल। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि मुझे आपकी तैयारी का पता चलता रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको इसी तरह के जो करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ,